धन्यवाद। कमांडर रमजान कादिरफ केरला के, जिन्हें कहर का दूसरा नाम कहा जाता है, वही शिकस्त खाने लगे हैं। यूक्रेन की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। खेरसोन में 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। खेरसोन में ये चेचन लड़ाके बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही है। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बिल्डिंग में छिपे हुए थे, जिन्हें मिसाइल से उड़ा दिया गया। खेरसोन में पुतिन की सेना बीते एक महीने में हारती हुई दिख रही है और अब इस बार यूक्रेन का वार खूंखार चेचन लड़ाकों पर हुआ है। जंग में कादिरफ को बड़ा झटका। हमले में 40 चेचन लड़ाके ढेर। अल्लाहु अकबर, उमर। खेरसोन में चेचन लड़ाकों के निकले खून के आंसू। अल्लाहु अकबर, जिस खेरसोन में रूस ने कब्जे का दावा किया था, जिस खेरसोन में जनमत संग्रह कराकर जीत का दावा किया गया था, उसी खेरसोन में पुतिन की सेना को जबरदस्त शिकस्त मिली है। कादिरफ के खूंखार चेचन लड़ाकों को मुंह की खानी पड़ी। आठ महीनों से चल रही जंग में पहली बार ऐसा हुआ कि कादिरफ को हार मिली है। खेरसोन में एक दो नहीं बल्कि 40 चेचन लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया गया। खेरसोन में जेलेंस्की की सेना को चेचन लड़ाकों के एक बिल्डिंग में छिपे होने की खबर मिली थी। उसके बाद यूक्रेन की मिसाइलों का रुख उस इमारत की ओर मुड़ गया। फिर पल भर में जोरदार धमाका हुआ और कादिरफ के 40 लड़ाके मौत की नींद सुला दिए गए। इस हमले में कई चेचन लड़ाकों के घायल होने का भी दावा किया गया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई चेचन लड़ाके दिखे, जिनके चेहरे पर धूल जमी हुई थी। कई बुरी तरह से जख्मी दिखे, कुछ के सिर से खून निकलता दिखाई दिया। चेहरों पर खौफ लिए कादिरफ के ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने बीते 8 महीनों में यूक्रेन में कहर बरपा रखा था, लेकिन अब ये अपने ही साथियों की मौत के बाद घबराए दिख रहे थे। इन्हीं चेचन लड़ाकों के दम पर रमजान कादिरफ ने पुतिन को जीत का दिलासा दिया था। शुरुआत में हुआ भी वैसा ही। चेचन लड़ाके यूक्रेन की जिन शहरों में गए, वह खौफ और कहर का दूसरा नाम बन गए। लेकिन इस बार खेरसोन में उल्टा हो गया। जेलेंस्की की सेना की दम के आगे इन खूंखार लड़ाकों ने दम तोड़ दिया। यूक्रेन में इस वक्त हालात रूस की सेना के खिलाफ हो चुके हैं। जिन हिस्सों पर पुतिन कब्जे का दावा कर रहे थे, उन्हीं हिस्सों में उनके सैनिक हारते नजर आ रहे हैं। खेरसोन में भी कुछ ऐसा हुआ। यूक्रेन के सैनिकों ने भीषण पलटवार करते हुए रूस के सैनिकों को पस्त कर दिया था, अपने इलाके दोबारा कब्जे में लेने लगे थे। रूस के सैनिकों की हार देखकर कादिरफ ने खेरसोन में अपने लड़ाके भेजे थे, उन्हें कत्लेआम मचाने की छूट दे दी गई थी। लेकिन कादिरफ की उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की मिसाइलों ने उनके 40 लड़ाकों को अपना शिकार बना लिया है। ये वही चेचन लड़ाके हैं जिन्हें यूक्रेन में मौत का दूसरा नाम कहा जाता था। ये लड़ाके यूक्रेन की फौज पर बिजली की तरह टूट पड़ते थे, लेकिन इस बार इनकी फुर्ती काम न आई और जेलेंस्की की सेना ने इन्हें ही ढेर कर दिया। इसके साथ कादिरफ का खेरसोन जीतने का सपना भी टूट सकता है।
यूक्रेन रूस युद्ध के समय एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहा है। अब यूक्रेन ने रूस के एक और विमान को मार गिराया है। पहले तो आशंका जताई गई कि विमान पक्षियों से टकरा गया था।